हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के स्टूडियो में मैं 10 ड्रीम इलेवन की विनिंग टीम्स आपको फिर से एक बार दिखाने वाला हूँ। और मैच है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में जब सबसे पहले मैं आपको कुछ स्टैट्स भी दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको अपनी खुद की ड्रीम इलेवन की विनिंग टीम्स बनाने में आसानी हो जाएगी, चाहे कौन सा भी आप हो आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर बात करें पिच रिपोर्ट की, तो यहाँ पर 19 नवंबर को विश्व कप का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला जाएगा। यहाँ की पिच की बात करें तो ये पिच बल्लेबाजों के लिए काफी अच्छा साबित हो रहा है। ग्राउंड बड़ा होने के बावजूद भी यहाँ पर बड़े स्कोर लग रहे हैं। और गेंदबाजों की बात करूँ तो यहाँ पर इनके लिए परिस्थितियाँ थोड़ी मिली जुली है, स्पिनर के लिए भी या फिर फास्टर के लिए भी, ऐसा कहना मुश्किल है। लेकिन मैं जो कुछ स्टैट्स आपको आगे दिखाने वाला हूँ, इससे आप थोड़ा क्लियर हो जाएंगे। ऐसे में होने वाले फाइनल मुकाबले में बड़ा स्कोर बनता नजर आ सकता है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि यहाँ की, अगर मैं आपको जो स्टैट्स दिखाने वाला हूँ, इससे अगर लगता है कि जो भी टॉस जीतेगा पहले बल्लेबाजी, माफ कीजिएगा, गेंदबाजी करने का फैसला ले सकता है। चलिए देख लेते हैं स्टैट्स। अभी इस वर्ल्ड कप में इस स्टेडियम पर जो 4 मैचेस, इसके स्टार्ट में आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहला मैच था, जो कि वर्ल्ड कप का भी पहला मैच था, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड ने यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 282 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पर बोल्ट को 1 विकेट मिले थे, मैट हेनरी को 3 विकेट मिले थे, सेंटनर को जो है 2 विकेट मिले थे, रचिंद्र रविंद्रा को 1 और ग्लेन फिलिप्स को 2 विकेट मिले थे। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि यहाँ पर इस इनिंग में फास्टर बॉलर को 4 विकेट्स मिली थी, तो वही स्पिन गेंदबाजों को 5 विकेट मिली थी। इसके बाद न्यूजीलैंड की बारी आई। न्यूजीलैंड ने कमाल का यहाँ पर परफॉर्मेंस किया था, रचिंद्र रविंद्रा के पहला शतक बल्ले से निकला था और उनके साथ साथ कॉनवे ने भी शतक मारा था, और यहाँ पर 1 विकेट गिरा था और उन्होंने ये मैच जीत लिया था। सैम कुरन को ही यहाँ पर 1 विकेट मिल पाया था, जो कि फास्टर गेंदबाज है, और स्पिनर को एक विकेट नहीं मिल पाई थी। इसके बाद अगला जो मैच यहाँ पर हुआ था वो था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, 12th मैच था ये। पाकिस्तान की शुरुआत में हालत काफी अच्छी थी, काफी बढ़िया थी, लेकिन अचानक उनकी हालत काफी पतली हो गई और यहाँ पर उनको, मतलब पाकिस्तान को, भारत ने सिर्फ और सिर्फ 191 पर ही ऑल आउट कर दिया था, जिसमें बुमराह, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, इनको दो 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 विकेट्स, और कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा को भी दो दो विकेट्स मिले थे। अब देखिए, यहाँ पर भी फास्टर की बात करूँ तो यहाँ पर 6 विकेट्स फास्टर ने निकाले थे, तो वही स्पिनर गेंदबाजों ने 4 विकेट निकाले थे। इसके बदले में भारत यहाँ पर सिर्फ 3 विकेट गवा कर ही ये इस लक्ष्य को हासिल कर चुका था, वो भी सिर्फ 30 ओवर में। अब यहाँ पर भी अगर बात करें तो शाहीन आफरीदी को 2 विकेट मिले थे और हसन अली को 1 विकेट मिला था, यानी कुल मिला के 3 विकेट फास्टर को ही गए थे। तो यहाँ पर अगले मैच की बात करूँ तो यहाँ पर इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 36th मैच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 286 पर ऑल आउट हुई थी। यहाँ पर अगर बात करें तो विली को 1 विकेट मिला था, क्रिस वोक्स जो काफी बढ़िया गेंदबाज है इंग्लैंड के, उनको 4 विकेट्स मिले थे, मार्कुड को 2 विकेट मिले थे, लिविंगस्टोन को 1 विकेट मिली थी, आदिल रशीद को 2 विकेट मिले थे। अब बात करें तो यहाँ पर फास्टर गेंदबाजों को 7 विकेट मिले थे, तो वही स्पिन गेंदबाजों को सिर्फ 3 विकेट मिल पाए थे। इससे अलग नहीं है इंग्लैंड का भी, इंग्लैंड यहाँ पर 286 रन भी नहीं बना पाई थी, सिर्फ 253 पर ही ऑल आउट हो गई थी। और मिचेल स्टार्क को 2 विकेट, उसके बाद जोस हेजलवुड को 2 विकेट, पैट कमिंस को 2 विकेट, एडम झम्पा को 3 विकेट और मार्कस टोनिस को 1 विकेट। तो कुल मिला के यहाँ पर फिर से देखे तो 7 विकेट फास्टर ने लिए थे, तो वही स्पिन गेंदबाजों ने भी 3 ही विकेट लिए थे। मतलब दोनों का सेम ही है दोस्तों, फास्टर ने 7 और स्पिनर ने 3 विकेट लिए थे। अब बात करते हैं एक लास्ट मैच की, जो था साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान के बीच। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, अफगानिस्तान ने यहाँ पर 244 रन बनाए थे और 10 विकेट खोकर 244 रन बनाए थे। और लुंगी इंगिडी को यहाँ पर मिले थे 2 विकेट, गोडजी को 4 विकेट, केशव महाराज को 2 विकेट और फुलकाया को भी 1 विकेट यहाँ पर मिला था। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो फास्ट गेंदबाजों को 7 विकेट मिले थे, लेकिन स्पिन गेंदबाजों को सिर्फ 2 ही विकेट मिले थे और एक मेरे ख्याल से रन आउट हुआ था। इसके बाद
साउथ अफ्रीका ने इस स्कोर को बड़ी आसानी से 5 विकेट खोकर ही 47.3 ओवर में ही चेस कर लिया था। यहाँ पर मोहम्मद नबी को 2, राशिद खान को 2 और मुजीबुर रहमान को 1। मतलब यहाँ पर अगर अगर देखेंगे तो अफगानिस्तान के विकेट जो गिरे थे, फास्टर गेंदबाजों ने 7 लिए थे, स्पिन ने 3 2 ही लिए थे, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद नबी, राशिद खान और मुजीबुर रहमान तीनों स्पिनर गेंदबाज हैं, फास्टर को 1 भी विकेट नहीं मिला था जबकि स्पिन को 5 विकेट मिले थे। लेकिन एक कहना जरूरी है कि यहाँ पर अफगानिस्तान के पास इतना अच्छा फास्टर गेंदबाज अभी नहीं है जो अच्छे खासे विकेट्स निकाल सके। अब मैं आपको एक फाइनल आंकड़ा दिखा देता हूँ, टोटल अगर फास्ट बॉलर के विकेट्स अगर देखे जाए इस वर्ल्ड कप में, इस स्टेडियम पर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर, तो 35 विकेट्स लेने में कामयाब रहे हैं फास्टर गेंदबाज, तो वही टोटल स्पिन बॉलर ने विकेट्स लिए थे 22। तो मतलब अगर पिच रिपोर्ट के ना माने या फिर आप यहाँ पर देखें तो फास्टर का यहाँ पर थोड़ा तगड़ा परफॉर्मेंस रहा है स्पिनर के मुकाबले। तो इससे मुझे लगता है कि फास्टर पर ज़्यादा ध्यान देना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा एक और आंकड़ा आपको मतलब बताना रहेगा कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो चेस करते हुए 3 टीमें यहाँ पर मैचेज जीती है, जैसे कि सबसे पहले न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराया था चेस करते हुए, भारत ने पाकिस्तान को हराया था चेस करते हुए, तो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की पहले बल्लेबाजी आई थी, एक लौती मैच है जो कि पहले बल्लेबाजी वालों ने जीती है। यहाँ पर भी अफगानिस्तान की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने चेस करते हुए इनको हराया था। मतलब 4 में से 3 मैचेस ऐसे हैं दोस्तों जो चेस करते हुए जीती थी। तो मुझे लगता है जो भी टॉस जीतेगा चेस करने की कोशिश कर सकता है। चलिए अब 10 ट्रेमिलोड की विनिंग टीम्स की बात करें तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले केएल राहुल को ले लिया है। उसके बाद अगर आप देखें तो रोहित शर्मा ऑफकोर्स रहेंगे, डेविड वार्नर रहेंगे, विराट कोहली, मिचेल मार्श, 4 अच्छे खासे बल्लेबाज, उसके बाद ट्रेविस हेड और श्रेयस अय्यर, मतलब 6 बल्लेबाजों को मैं इस टीम में रखूंगा। जैसे कि मैंने बताया पिच रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी हो सकती है, तो इसीलिए 6 बल्लेबाजों को लूंगा। रविंद्र जडेजा और मैक्सवेल दोनों फिर से मेरे पास रहेंगे, मोहम्मद शमी और पैट कमिंस गेंदबाजी में मेरे पास रहने वाले। तो कुल मिला के जबरदस्त टीम बनी है, बहुत ही बढ़िया टीम है। सिर्फ इतना है कि यहाँ पर 6 बल्लेबाजों को मैंने लिया है जिसके कारण गेंदबाज 2 ही मेरे पास रहेंगे। ग्रैंड लीग हो, बड़ी लीग हो, स्मॉल लीग हो, किसी भी लीग के लिए यूज करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, काफी बढ़िया टीम नजर आ रही है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 1 एंड ओनली विराट कोहली को कैप्टन और डेविड वार्नर दोनों अपने अपने टीमों के लिए काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो इसीलिए इन दोनों को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने जा रहा हूँ। आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं, डेविड वार्नर को कैप्टन और विराट कोहली को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इस टीम में इसी तरह से रखूंगा। और अगर आप 10 से ज़्यादा, मैं एक बात और बता दूं, मैं एक और वीडियो आपके लिए लाऊंगा और 10 टीमों का जो कि देखता हूँ मैं कब तक दे सकता हूँ, जिसमें भी मैं आपको 10 अच्छी टीमें देने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर विराट कोहली को कैप्टन, वार्नर को वाइस कैप्टन बनाने जा रहा हूँ। आप उल्टा भी करना चाहे तो कर सकते हैं। चलिए पहली टीम तो हो चुकी है, अब बात करते हैं दूसरी टीम की। दूसरी टीम की बात करूं तो यहाँ पर भी केएल राहुल के साथ जाऊंगा, यहाँ पर रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, विराट कोहली, ट्रेविस हेड और 4 ही बल्लेबाज यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल और अकेले ऑलराउंडर रहने वाले जोस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, मोहम्मद शमी, पैट कमिंस, जसप्रीत बुमराह, मतलब सभी के सभी फास्ट गेंदबाज यहाँ पर मैं इस टीम में ले लेने वाला हूँ। यानी किसको भी विकेट मिले आपको फायदा जरूर होने वाला है। थोड़ी अलग टीम जरूर है, आप इसे थोड़ी रिस्की भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है काफी बढ़िया टीम है ये। रोहित शर्मा भी काफी जबरदस्त फॉर्म में, काफी अच्छा स्टार्ट करके दे रहे, तो इसीलिए इनको कैप्टन और ट्रेविस हेड को वाइस कैप्टन बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर भी अगर आप उल्टा करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेविस हेड भी ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो आप ज़रूर उनको कैप्टन और रोहित को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसी तरह से रखने वाला हूँ। ऑफकोर्स टीम अच्छी है, ग्रैंड लीग हो, बड़ी लीग हो, दोनों के लिए तो यूज ज़रूर कर सकते हैं। स्मॉल लीग के लिए यूज करना है नहीं करना है मैं आप पर छोड़ता हूँ, फिर भी आपको मुझे लगता है कि इतनी बुरी भी टीम नहीं है कि आप इसे स्मॉल लीग के लिए ना यूज करें। तीसरी टीम की बात करें तो केएल राहुल फिर से मेरे पास रहने वाले, हाँ एक और ऑप्शन है लेकिन मैं कहीं ना कहीं उनको जरूर लूंगा। रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, विराट कोहली, ट्रेविस हेड, इस तरह से 4 बल्लेबाज, रविंद्र जडेजा को वापस ले लूंगा, ग्लेन मैक्सवेल, 2 ऑलराउंडर, यहाँ पर 2 से ज्यादा ऑलराउंडर आपके पास ऑप्शन भी नहीं है,
मिचेल स्टार्क, मोहम्मद शमी, एडम जंपा और मोहम्मद सिराज इस तरह से चार गेंदबाज, मतलब चार बल्लेबाज भी है, चार गेंदबाज भी है, काफी संतुलित टीम है और काफी बढ़िया भी है और अच्छी खासी आपको बैटिंग भी करेंगे तो अच्छी अच्छे पॉइंट मिलने वाले और गेंदबाज भी अच्छे पॉइंट देने वाले। यहाँ पर आखिरकार डेविड वार्नर को कैप्टन और विराट कोहली को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। आप चाहे तो किसी और को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैं विराट कोहली को कैप्टन और वार्नर को मेरे ख्याल से वाइस कैप्टन बना चुका हूँ, तो आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन टीम काफी बढ़िया है, चाहे ग्रैंड लीग हो, बड़ी लीग हो, स्मॉल लीग हो, किसी भी लीग के लिए यूज करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, काफी बढ़िया टीम है। इसको भी अब चौथी टीम पर चल जाते हैं। चौथी टीम की बात करूँ तो फिर से यहाँ पर केएल राहुल को लूंगा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, मिचेल मार्श और ट्रेविसन, चार ऐसे बल्लेबाज है जो कि काफी बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं। रविंद्र जडेजा और मैक्सवेल फिर से ऑलराउंडर में रखूंगा और जॉस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, मोहम्मद शमी, पैट कमिंस। दोस्तों आपको बता दूं कि तीसरी टीम में मैंने चार गेंदबाज लिए थे, लेकिन यहाँ पर अलग चार गेंदबाजों को मैंने यहाँ पर लिया है और मोस्टली अगर देखेंगे तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाज आपको दिखते नजर आएंगे। पैट कमिंस है, मिचेल स्टार्क है, जॉस हेजलवुड और मैक्सवेल है, तो ये सभी की सभी गेंदबाजी कर रहे हैं और अच्छी कर रहे हैं, इसीलिए इन चारों को साथ में लिया है। और मोहम्मद शमी और जडेजा सिर्फ भारत की तरफ से रहेंगे। मिचेल मार्श को कैप्टन बनाने जा रहा हूँ, रोहित शर्मा को वाइस कैप्टन बनाने जा रहा हूँ, दोनों बेस्ट है दोस्तों। जरूर आप उल्टा करना चाहते तो उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इसी तरह से रखना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो कुल मिला के अच्छी टीम है, लेकिन इस टीम को मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग या बड़ी लीग के लिए सजेस्ट करूंगा, स्मॉल लीग के लिए ना ही यूज करें तो कोई अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है अच्छी है तो आप जरूर यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चौथी टीम भी हो चुकी है, अब चलते हैं पांचवी टीम पर जो भी काफी बढ़िया बनी है। पांचवी टीम में मैंने आखिरकार जो इंग्लिश को ले लिया है अकेले को फिर से, यहाँ पर मैंने केएल राहुल को ड्रॉप किया, लेकिन हो सकता है केएल राहुल भी कल अच्छा परफॉर्म ना करे और इंग्लिश उनसे थोड़ा बेहतर कर दिया तो ये आपको फायदा करा के दे सकती है, तो इसीलिए मैंने ऐसा किया है। इसके अलावा रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, लाबू शाने और शुभमन गिल, जी हाँ दोस्तों आप ये टीम देख के काफी चौंक गए होंगे कि मैंने विराट कोहली को ड्रॉप किया है। जी हाँ दोस्तों एक हाथ टीम में आप विराट कोहली, रोहित शर्मा ऐसे कुछ बड़े प्लेयर को अगर ड्रॉप करेंगे तो आपको काफी फायदा हो सकता है अगर वो नहीं खेलते हैं तो, जैसे कि मैंने वार्नर को भी यहाँ पर ड्रॉप किया है। दोस्तों दोनों अगर खेलते अच्छा नहीं खेलते हैं तो आपको ग्रैंड लीग जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रिस्क लेंगे तो आपके जीतने के चांसेस भी उतने बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर ना भी करना चाहे तो आप ना भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, रविंद्र जडेजा और मैक्सवेल भी मेरे पास रहेंगे और मिचेल स्टार्क, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव, इस तरह से चार गेंदबाज मेरे पास है। जैसे कि मैंने पिछली टीम में ऑस्ट्रेलिया के ज्यादा गेंदबाज दिए थे, इस बार इंडिया के ज्यादा गेंदबाज दे रहा हूँ, मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी करके विकेट्स लिए तो वो टीम में फायदा होगा, इंडिया के गेंदबाजों ने अच्छा किया तो इस टीम को फायदा होगा। काफी जबरदस्त और अच्छी खासी टीम बनी है, काफी सोच समझ के टीमें बनाई है दोस्तों, काफी बढ़िया है। लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूले। कैप्टन की बात करो तो श्रेयस अय्यर काफी जबरदस्त फॉर्म में है, लेट आने के बावजूद भी 2 शतक यहाँ पर लगा चुके हैं आप, मतलब अभी तक वर्ल्ड कप में, तो इसीलिए कैप्टन बनाना जरूरी है। मैक्सवेल को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ, उल्टा करना चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं, मैक्सवेल को कैप्टन और अय्यर को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, लेकिन इस टीम में मैं इसी तरह से रखूंगा। और आप, मैं आपको जरूर सलाह दूंगा 10 से ज्यादा टीमें बनाते तो उल्टा कर सकते हैं, मैक्सवेल को कैप्टन और अय्यर को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको और 10 टीमें देने वाला हूँ, उसका वीडियो मैं आपको जरूर डालने वाला हूँ, तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए आपको चाहिए या नहीं चाहिए, अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं जरूर लाने की कोशिश करूंगा। चलिए छठी टीम की बात करें तो फिर से जो इंग्लिश को ले लूंगा, हो सकता है केएल राहुल से अच्छा परफॉर्म रहे इनका, तो इसीलिए इनको लूंगा, रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और मैक्सवेल, मतलब 3 अच्छे खासे बल्लेबाज और 2 अच्छे खासे ऑलराउंडर यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद जॉस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और एडम जंपा, मतलब पांचों के पांचों बेस्ट गेंदबाज यहाँ पर मैंने इस टीम में ले ली है, जिससे ये टीम काफी बढ़िया बन गई है और काफी खतरनाक भी बन गई है। तो ऑफकोर्स अच्छी खासी टीम है, तो यहाँ पर मोहम्मद शमी जो अभी तक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा हाईस्ट विकेट टेकर 23 विकेट ले चुके हैं, और उनके बाद झंपा
जो 22 विकेट ले चुके, दोनों इस टीम में मौजूद है। मैं यहाँ पर शमी को कैप्टन और स्टार्क को वाइस कैप्टन बनाने जा रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो झंपा को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं या फिर किसी और को कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये जोड़ी ज़्यादा बेटर रहेगी, आपके लिए काफ़ी फायदा करा के दे सकती है। तो इसीलिए मैंने इस टीम को यहाँ पर इस तरह से बनाया और कैप्टन और वाइस कैप्टन भी इस तरह से डिसाइड किया। ये टीम भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं ग्रैंड लीग या बड़ी लीग के लिए सजेस्ट करूंगा, फिर भी अगर आपको लगता है स्मॉल लीग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिला के एक अच्छी खासी टीम बन चुकी है। सातवीं टीम पर चलते हैं आप। सातवीं टीम में अलग करने जा रहा हूँ दोस्तों, हो सकता है केएल राहुल और इग्लिस दोनों अच्छा परफॉर्मेंस करें, तो इसीलिए यहाँ पर उनको भी मैं दोनों को साथ में ले रहा हूँ। मतलब हर एक वो ऑप्शन आपको देने जा रहा हूँ जिससे आप ग्रैंड लीग जीत सके, ऐसा ना हो कि हम इन दोनों को साथ में नहीं ले और एक 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 ही ले और दोनों अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं कर जाए, तो हमें एक भी टीम में ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे तो नुकसान हो सकता है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यहाँ पर काफ़ी अलग है, जो है रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, विराट कोहली, मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सात, कुल मिला के 7 बल्लेबाजों को मैंने इसमें टीम में ले लिया है। कल अगर बल्लेबाजी अच्छी चल जाती है, भारत 300 या फिर ऑस्ट्रेलिया 300-400 रन बनाते हैं और दूसरी टीम अगर उसे चेस कर लेती है, तो ये सभी की सभी बल्लेबाज अच्छा करेंगे, तभी ऐसा होना मतलब पॉसिबल है, इसके अलावा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह से भी मैं कर रहा हूँ, मैक्सवेल को क्या यहाँ पर ले रहा हूँ और जसप्रीत बुमराह को इस टीम में शामिल कर रहा हूँ। अकेले एक ऑलराउंडर और अकेले एक गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह और मैक्सवेल। बात करें तो मैंने इस टीम का कैप्टन भी मैक्सवेल को ही बनाया है, क्योंकि 201 रनों की जो पारी उन्होंने खेली थी यार, बहुत ही जबरदस्त पारी थी, इसलिए इनको कैप्टन और शुभमन गिल को इस टीम का वाइस कैप्टन बनाने जा रहा हूँ। फिर से अगर कहूँ तो आप उल्टा करना चाहे तो जरूर कर सकते हैं, शुभमन को वाइस कैप्टन बनाया मैंने तो आप उनको कैप्टन और मैक्सवेल को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इसी तरह से रखना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो चलिए सातवीं टीम भी काफी बढ़िया बन चुकी है, लेकिन और लेकिन दोस्तों इस टीम को सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए यूज करना है, स्मॉल लीग के लिए काफी ज्यादा रिस्की हो सकती है, तो मैं इस टीम को ग्रैंड लीग के लिए ही सजेस्ट करूंगा, बड़ी लीग के लिए ही सजेस्ट करूंगा, स्मॉल लीग के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। चलिए अब आठवीं टीम पर चलते हैं। आठवीं टीम में केएल राहुल को वापस ले ले रहा हूँ, वो डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, यहाँ पर मेरे पास तीन ऐसे बल्लेबाज है भारत के जो कि मिडल ऑर्डर और सिर्फ शुभमन गिल ओपनिंग के लिए आते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ दोस्तों। ऑफकोर्स ये काफी मुश्किल फैसला था, लेकिन सोचिए दोस्तों अगर सच में कल रोहित शर्मा और विराट कोहली अच्छा नहीं करते, माफ कीजिएगा फाइनल मैच में, और ये तीनों अगर अच्छा कर जाते हैं तो मुझे नहीं लगता 95% से भी ज्यादा लोगों ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को रखा ही होगा। और अगर आप एक टीम मतलब अगर पैसे हार भी जाते हैं ना दोस्तों तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक टीम में ऐसा जरूर कीजिएगा कि विराट कोहली को एक टीम में ड्रॉप कर दीजिएगा, दूसरी टीम में रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दीजिएगा और एक हाथ टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को ड्रॉप कर दीजिएगा। हो सकता है दोस्तों ये फायदेमंद साबित हो, क्योंकि कोई भी ऐसा मुश्किल काम करने वाला नहीं है 4 या 5% से ज्यादा। इसके बाद रविंद्र जडेजा जडेजा और मैक्सवेल दोनों फिर से मेरे पास है, बैट कमिंग जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव को भी हम मतलब ज़्यादा टीमों में ड्रॉप नहीं रख सकते। हो सकता है कुलदीप यादव फाइनल में जबरदस्त परफॉर्मेंस करे, तो इसीलिए इनको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं लेना जरूरी है। इसके बाद मैं यहाँ पर शुभमन गिल को अभी तक कैप्टन नहीं बना पाया था, तो इसलिए टीम का कैप्टन उनको बना लूंगा और मिचेल मार्श को वाइस कैप्टन बनाऊंगा। दोनों अपने अपने जगह पे काफी बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं दोस्तों और काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है इनका, तो जरूर आप इनको भी यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं। कुल मिला के टीम स्मॉल लीग के लिए भी और बड़ी लीग के लिए भी या फिर ग्रैंड लीग के लिए भी काफी बेहतर है, तो मैं जरूर सजेस्ट करूंगा किसी भी लीग के लिए आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही बाय माइनस पॉइंट है, यहाँ पर कोहली और रोहित शर्मा नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा ग्रैंड लीग या बड़ी लीग के लिए यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, स्मॉल लीग के लिए ना ही यूज करें तो अच्छा है। इसके बाद आप चलते हैं नौवीं टीम पर। तो केएल राहुल ऑफकोर्स मेरे पास है, विराट कोहली, मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, श्रेयस अय्यर, लाबुशाने और शुभमन गिल। तो मैं अगर आपको याद होगा तो मैंने एक टीम में विराट कोहली को ड्रॉप किया था, एक टीम में पिछली टीम में दोनों को ड्रॉप किया, अब रोहित शर्मा को ड्रॉप कर रहा हूँ। देख सकते हैं कोहली, मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, श्रेयस अय्यर, लाबुशाने और शुभमन गिल, इस तरह से 6 बल्लेबाज है, लेकिन मैं रोहित शर्मा को ड्रॉप करने जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपके पास विराट कोहली, राहुल, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, 4 अच्छे बल्लेबाज है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, लाबुशाने और मैक्सवेल रहेंगे। यहाँ पर भी डेविड वार्नर को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, हो सकता है ये भी फेल हो जाए।
इसके बाद मैक्सवेल को इस टीम में रखूंगा, स्टार्क, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह, इस तरह से तीन ऐसे गेंदबाज लूंगा जो कि काफी विकेट निकाल रहे इस पूरे वर्ल्ड कप में। इस टीम को भी मैं ज्यादा से ज्यादा ग्रैंड लीग या बड़ी लीग के लिए सजेस्ट करूंगा, स्मॉल लीग के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। फिर भी अगर आप चाहें तो आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह है कि ना ही यूज करें स्मॉल लीग के लिए, तो बेटर रहेगा बड़ी लीग या ग्रैंड लीग के लिए यूज कीजिएगा। चलिए दोस्तों, काफी बढ़िया टीम है। अगर बात करें इस टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो काफी हटके मैं लगा रहा हूँ जसप्रीत बुमराह को कैप्टन, लाबुशाने को वाइस कैप्टन। यहाँ पर अगर आप उल्टा करना चाहें तो कर सकते हैं, लाबुशाने को कैप्टन और बुमराह को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है बुमराह तूफान कर सकते हैं अगली मैच में, तो इनको भी कहीं ना कहीं एक आध जगह पे कैप्टन बनाए रखना ज्यादा फायदेमंद रह सकता है, तो इसीलिए मैंने इनको कैप्टन बनाया और लाबुशाने को वाइस कैप्टन बनाया। ऑफकोर्स ये टीम भी अच्छी खासी है, छह बल्लेबाज है, तीन गेंदबाज है, तो कोई यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ ये की है कि मैं यहाँ पर रविंद्र जडेजा को मिस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप चाहे तो एक आध प्लेयर को ड्रॉप करके जडेजा को शामिल कर सकते हैं। इस तरह से ये टीम भी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए ऐसा बड़ी लीग के लिए सजेस्ट करूंगा, स्मॉल लीग के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप जरूर यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दोस्तों, दसवीं और फाइनल आखिरी टीम हमें देख लेनी है, तो केएल राहुल को आप फिर से यहाँ पर कीपिंग में लूंगा, रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, विराट कोहली, मैक्सवेल, चार मतलब तीन बल्लेबाज और एक ऑलराउंडर जो मैक्सवेल है, जबरदस्त बैटिंग कर सकते हैं, तो इनको भी ले लिया। उसके बाद जॉस जलूड, मार्क मिचेल स्टार्क, मोहम्मद शमी, पैट कमिंस, सिराज और जसप्रीत बुमराह, मतलब छह गेंदबाजों को ले रहा हूँ। हो सकता है शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो कि छह गेंदबाजों के साथ जाएगा और छह की छह फास्टर गेंदबाजी, अगर आप चाहें तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह या फिर किसी और की जगह पे कुलदीप यादव को शामिल कर सकते हैं, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस में से एक को ड्रॉप करके जंपा को भी शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये भी टीम काफी बढ़िया है, लेकिन काफी ज्यादा रिस्की है, तो मैं इस टीम को भी आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए सजेस्ट करूंगा, स्मॉल लीग के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि स्मॉल लीग के लिए भी अच्छी है तो आप जरूर यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। काफी बढ़िया टीम है और बढ़िया टीम के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन भी बढ़िया चाहिए चाहिए रहते, तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड केएल राहुल पर मैं भरोसा करने जा रहा हूँ एज ए कैप्टन, और पैट कमिंस को वाइस कैप्टन के तौर पर मैं रख रहा हूँ। यहाँ पर मैं उल्टा करने की बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है केएल राहुल ही बेटर रहेंगे और पैट कमिंस वाइस कैप्टन ही बेटर रहेंगे। तो कुल मिला के जबरदस्त टीम है, लेकिन अच्छी खासी है, लेकिन थोड़ी ये भी रिस्की टीम मैं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने केएल राहुल जो थोड़े नीचे आते बैटिंग के लिए और पैट कमिंस थोड़े नहीं काफी नीचे आते बैटिंग के लिए, हालांकि गेंदबाजी का ऑप्शन इनके पास रहता है और केएल राहुल के पास कीपिंग का ऑप्शन रहता है, तो ये भी एक पॉइंट हमें दे सकते हैं। कुल मिला के अच्छी टीम है, लेकिन फिर से कहूंगा ग्रैंड लीग या बड़ी लीग के लिए जरूर यूज कीजिएगा, स्मॉल लीग के लिए यूज करनी नहीं करनी मैं आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन मुझे लगता है ना भी यूज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप आप सबको मेरी इंडस्ट्री में और मेरा पूरा वीडियो काफी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, चैनल को भी अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे, आप अच्छे से अर्निंग करते रहे। साथ साथ टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ दोस्तों, वहाँ पे जाके उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ताकि कुछ भी चेंजेस रहते तो आपको बता सकूँ किसे ड्रॉप किया गया, उसकी जगह पे आपको किसको लेना है। साथ ही साथ टेलीग्राम पे और कुछ टीमों के स्क्रीनशॉट शेयर करने की भी पूरी कोशिश करूंगा, तो इसीलिए टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, एक और वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा और 10 टीमें आपको उसमें देने की पूरी कोशिश करूंगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और गुड बाय।